हे गाइस वेलकम टू मोटर ऑक्टेन कैसे आप लोग सब आज दोस्तों लास्ट टाइम मैं आपके लिए इनोवा हाई क्रॉस का वॉक क्राउंड लाया था इस बार बारी है उसके रिव्यू की सो वी आर इन बैंगलोर चलाने आए हैं हम द न्यू इनोवा हाई क्रॉस बहुत ज्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा जितना हो सके आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगा ताकि आपके लिए कुछ पार्ट मिस आउट ना हो सो so, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अगर आप इनोवा क्रॉस को देखते हैं तो यह बनाई गई है ऑन एन ऑल न्यू और इसकी डिजाइन एलिमेंट्स जो है, कहीं ना कहीं थोड़ा एसयू इंस्पायर्ड हो गई है अब जैसी आप गाड़ी का फ्रंट एंड देखते हो पहली चीज आप देखोगे बोलोगे हाँ यार इसको रोड प्रेजेंस काफी अच्छा मिल जाता है और जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी है वो कंप्लीटली एक्सेसराइज है सो so, इस वजह से आप नोटिस करोगे ऊपर इनोवा लिखा हुआ है एक क्रोम स्ट्रिप चल रही है बीच में इन द ग्रिल सो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आप नोटिस करोगे इस गाड़ी के अंदर हेडलैम्स अगर आप देखते हो इसके तो ये फुल एल है और साथ ही साथ जो इसका डे टाइम रनिंग लाइट्स है वो ना केवल डे टाइम रनिंग लाइट्स है बट एट द सेम टाइम काम करता है इवन एज इंडिकेटर्स इस गाड़ी को फॉग फॉकलैम्प भी दिए हुए हैं जो आप पहली नजर में देखोगे तो नहीं देखेंगे बट एक्चुअली काफी लो रेंट पे आपको इस गाड़ी के फॉग लैम भी मिल जाते सो so, ओवरऑल एक मिक्सचर है ऑफ गुड रोड प्रेजेंस और साथ ही साथ आप नोटिस करोगे कि क्रोम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा खुल के नहीं किया गया इस गाड़ी के अंदर अब जैसे आप इसके साइड प्रोफाइल की तरफ जाओगे पहली चीज जो आपको क्लिक होगी इज द ओवरऑल स्टाइलिंग मतलब जो इसका रूफ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है ताकि आपके पास गाड़ी के अंदर अच्छी खासी हेडरूम मिल जाए आपको इस गाड़ी में मिलते हैं अठारह इंच के व्हील्स और आगे और पीछे बेसिकली चारों व्हील्स पर आपको मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक्स भी मिरर के नीचे भी अगर आप देखेंगे तो आपको 360 कैमरा के साइन दिखाई देंगे एंड का फ्रंट में जो लोगो है उसके अंडर में भी आपको एक कैमरा मिल जाती है वैसे ये पहली प्रॉपर इनोवा है जिसमें आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ जो बहुत सारे इनोवा ओनर्स मांग रहे हैं सालों से जो आज लग रहा है यू नो वाकई में उनको मिल चुकी है आपके पास यहाँ रूफ रेल्स तो नहीं दिए गए हैं टू कीप द डिजाइन वेरी क्लीन और साथ ही साथ पीछे की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाते हैं शाकफिन टेल लैम्प जब आप इस गाड़ी का देखते हो ओवरऑल इसकी स्टाइलिंग जो है एकदम सिंपल कट लाइन दिया है ताकि अगेन प्रैक्टिकलिटी मेंटेन रहे और जो पीछे का पार्ट है यहां से ये काफी हद तक एक एम जैसी लग रही है ओवरऑल आपको टेल लैंप्स में भी पूरे एल आ जाते हैं एंड इसका लुक जो है काफी क्लीन है जो मेजरली आप इस गाड़ी में देख रहे हो क्रोम दिया गया है दैट्स बिकॉज ये एक एक्सेसराइज कार है और यहाँ पे क्रोम पैकेजिंग दे दी गई है इस मॉडल में जो हमारे साथ खड़ी है वरना आपको इसके लिए एक्स्ट्रा फिटमेंट करवाना पड़ेगा अगर मैं इसके बूट के बारे में बात करूँ तो इसका टेल गेट जो है इलेक्ट्रिकली ओपनिंग है और थोड़ा नॉइजी है इसलिए मैं थोड़ा दूर यहाँ से आ गया हूं बिकॉज इट्स अ बिट लाउड एंड ओवरऑल अगर आप बूट स्पेस गाड़ी की देखते हो तो यहाँ पे आप एक मीडियम साइज का सूट केस इजिली बिठा सकते हो विद थर्ड रो कंप्लीटली रेस्ड बाई द वे आप चाहो तो इस थर्ड रो को पूरा फोल्ड भी कर सकते हो एंड तब आपके पास काफी ज्यादा जगह बन जाएगी यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस एट द बैक टू कैरी एक्स्ट्रा स्टफ आप अगर बूट में जाके देखते तो आप नोटिस करोगे कि अंडरनीथ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और पीछे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक बूट में लाइट माउंटेड है और साथ में आपके पास जेबीएल का सब वो भी दिया गया है आप गाड़ी के अंदर जाते हैं क्योंकि यहां पे मेजर चेंजेस किए गए हैं इट्स एन ऑल न्यू इंटीरियर विद ऑफ फीचर्स लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं आपकी गाड़ी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है

ओवरऑल इसका डैशबोर्ड जो है काफी यूनिक लगता है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर टोयोटास अभी तक रही है और ये जो इन्होंने सॉर्ट sort ऑफ of फ्लोइंग डैशबोर्ड दिया हुआ है ये काफ़ी अलग लग रहा है आप नोटिस करोगे कि, कि इसका गियर लेवर ऊपर की तरफ आ रहा है राधर देन इन द दे सेंटर ये करने की वजह से इन्होंने काफ़ी जगह फ्री आउट किया सो लेट्स गो इन टू वन बाय वन आप अगर इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील देखते हैं तो ये आप हाइट एंड रीच दोनों के लिए एडजस्ट कर सकते हैं इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर ऑडियो राइट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर क्रूज कंट्रोल वैसे इसमें एड फीचर्स भी आ जाते हैं विच मेक्स इट एन एक्साइटिंग पैकेज अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं तो ये कंप्लीटली डिजिटल है एंड साथ ही साथ यू गेट अ लॉट ऑफ बटन्स टू ऑन दिस सेंटर कंसोल जो आप अगर पहले बार आ रहे हो तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि आपके ए में ही काफ़ी सारे कंट्रोल्स है वरना बाकी सारी चीजों पर आपके पास मिनिमलिस्टिक कंट्रोल है आपकी टच स्क्रीन काफी सिंपलिस्टिकील दिस कहीं पर बट नॉट रियली मच ऑफ अ कंपनी जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है दैट्स वेटी गुड हावेवर जो टोयोटा का हमेशा से टच स्क्रीन डिजाइन रहा है ऑफ यू आई वो यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया गया इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड कारप्ले दोनों ऑफर किए जाते हैं एंड साथ ही के साथ साथ आपके पास यहाँ पैनराम सनरूफ आ चुका है आपकी सीट जो है काफी वाइड एंड कंफर्टेबल है तो अगर आप एक लंबे सफर पे जा रहे हैं तो आपको थकावट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं ओके वेंटिलेटेड सीट भी आ जाते हैं फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स एंड आपकी सीट जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विथ मेमरी ऑप्शन फॉर द ड्राइवर आपके पास आमरेस भी एक बड़ा सा है जो आप खोल सकते हो बट वो सिर्फ ड्राइवर के साइड से ही खोल सकता है आप इसको आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते स्टोरेज स्पेस में भी कोई कमी नहीं है आपके पास डोर पैड्स में एक, एक लीटर की बॉटल बैठ जाती है आपके पास कप होल्डर्स है एंड आपके पास डिसेंट इनफ ग्लव बॉक्स का साइज भी है आपके पास वायरलेस चार्जिंग एंड 12 वोल्ट का सॉकेट को ड्राइवर के यहाँ दे दिया गया है ओवरऑल एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा ऊंची कर दी है जिस वजह से आपको एक ज्यादा एस kind of जो हायर दो वेरियंट है टॉप के उनमें आपको छ एयरबैग दिए गए हैं बाकी के लोअर टर्म्स में आपको केवल दो ही एयरबैग आते हैं विच आई फील इज नॉट फेयर अगर आप गाड़ी पे 20 या 25 लाख भी खर्चा करते हो एंड आपको दो एयरबैग मिलते हैं आई फील वो कहीं ना कहीं थोड़ा अनजस्ट हो जाता है अब सेकेंड रो में जाने से पहले मैं अपनी सीट अपने ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट करता हूं मेरी हाइट 6 फीट है नाउ लेट्स गो ऑन टू द बैक सीट सो गाइस हियर वी आर सेकेंड रो में ओवरऑल यहाँ पे आपके पास अच्छी खासी स्पेस है मैं अपनी सीट को आगे पीछे भी कर सकता हूं लेट मी गो एंड शो यू मिनिमम एंड मैक्सिमम यहाँ पे अगर मैं एकदम मैक्सिमम पीछे जाता हूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा नीरो में एकदम मिनिमम चला जाऊँ देन ऑल्सो आई जस्ट हैव नीरो मतलब मेरा पैर एकदम टच नहीं हो रहा है नीचे की तरफ पैर टच हो रहा है बट आई कैन सिट यर स्टिल देखते हैं थर्ड रो में कितनी स्पेस आ जाती है उसके साथ सो दैट इज द स्टोरी हेड रूम अच्छा खासा है प्लस ये सीट्स में मेरे को दो चीज़ें और मिलती है पहली चीज़ मेरा जो सीट रिक्लाइन है दैट्स क्वाइट ईजी एंड uh, मैं इसे इजीली रिक्लाइन कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड ये जो है पूरा रिक्लाइनिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक है तो थोड़ा स्लो जाएगा एंड आपके पास ऑटोमेन सीट्स भी है यानी कि आपका जो लोअर पार्ट है ऑफ द सीट वो भी आप रेस कर सकते हो लाइक योर फ्लाइंग बिजनेस क्लास ओवरऑल पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए आमरेस्ट है यहाँ पर आपके पास कप होल्डर है यू ऑल्सो गेट सन ब्लाइंड आपके पास ए सी वेंट्स यहाँ पे आ गए आपके पास लाइट है सो देर अ लॉट ऑफ कम्फर्ट एट द बैग प्लस आप पीछे से ए सी को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड रो पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के पास दो चार्जिंग पोर्ट्स भी अंडरनीथ यहाँ मिल जाते हैं अब जाते हैं इनटू तो थर्ड रो टू तो सी व्हाट स्पेस इज गिवन फॉर द थर्ड रो पैसेंजर अगर आपको इनोवा क्रेस्टा में सेकंड रो से थर्ड रो जाना था आई I मीन mean, थर्ड रो में सीधा वॉक इन करना था सो व्हाट यू हैव टू डू आपको एक बटन प्रेस करना था आपकी पूरी सीट टम्बल डाउन होती थी एंड यू टू डू दैट इजीली बट यहां पे वैसा नहीं है मैं सीट को पूरा आगे तो ले सकता हूँ बट इसका रिक्लाइन चेंज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकली ही कंट्रोल करना पड़ेगा तो स्लाइड आगे पीछे हो जाएगी सीट पर अगर आपको रिक्लाइन चेंज करना इट्स कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक अब यहाँ मैं थर्ड रो में आ रहा हूं मैं ये सीट को यहाँ से पीछे से इजीली पुल तो कर सकता हूँ बट इसे एडजस्ट करना इलेक्ट्रिक ऑप्शन ही यहाँ दिया गया है सो दैट्स अनफॉर्चुनेट अबिट सो मेहनत ज्यादा हो जाती है यहाँ पे और राइट सो आपके पास हेडरूम डिसेंट इनफ है नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी अगर मैं एकदम स्ट्रेट भी बैठ जाऊँ तो भी मेरे सर टच हो रहा है थोड़ा बहुत मैं सीट थोड़ी आगे रखिए तो मेरे पास नी रूम है इट्स अ लिल ब्रीदेबल एंड कम्फर्टेबल एट द बैक

अब सवाल ये होता है गाड़ी चलाने को कैसे लेट्स गो एंड आगे हैं to drive the high cross. गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं. क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड पे चालू हुई है डाल दिया मैंने गाड़ी को ड्राइव में एंड निकले बाहर एकदम साइलेंट है गाड़ी राइट नाउ इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट एक्सुलेटर हार्ड दबा यहां से आपका पेट्रोल इंजन किक इन हो गया है एंड दैट्स वॉट एज हैपेन्ड एक्सलेटर अब मैंने जब दबाया तब आपका यू you नो know, पेट्रोल इंजन किक इन हो गया एंड दैट्स वेयर द डिफरसिएशन अब जैसे आप हाई स्पीड्स पे जाओगे तो पेट्रोल ई वी मिक्स चलते रहेगा आप अगर सिर्फ ई वी मोड पर चलाओगे तो आपकी गाड़ी मुश्किल से एक या दो किलोमीटर चलेगी उससे ज्यादा नहीं चलने वाली है हावेवर अगर आप इसे पेट्रोल पे चलाते हो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स आप हाईर स्पीड्स पे जाओगे तब आपका पेट्रोल एंड ईवी का मिक्सचर किक इन होगा सो so, हमने एक छोटा ड्राइव किया था सिटी एंड हाईवे जहां अर्ली मॉर्निंग है तो ज़्यादा ट्रैफिक थी नहीं सो so, इस वजह से हमें से लगभग 19 किलोमीटर का एवरेज आया ऑन द डिस्प्ले अभी भी 18 के आसपास ही कुछ दिखा रहा है सो so, ओवरऑल जो माइलेज है आपको पंद्रह सोलह भी मिक्सचर मिल गया आई थिंक इट्स वे बेटर देन द क्रेस्टा क्योंकि क्रेस्टा आपको 12 का एवरेज देती है ऑन एन एवरेज वो भी मैं हाईवे की बात कर रहा हूँ सो दिस इज़ फैंटेस्टिक इन इट अच्छा गाड़ी काफ़ी क्वाइट है इज नॉट मच ऑफ अ नॉइस अगर मैं हार्ड एक्सेटर दबाता हूँ सो so, जो इसका रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा स्लो है इट कैन बी अ लिटिल बिट मोर क्विकर अब मैं इसका मोड अगर चेंज करता हूँ टू अ स्पोर्ट या पावर मोड तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफ्रेंसीेशन है इन टर्म्स ऑफ पुल देखिए ये एक स्पोर्ट्स का नहीं है ओके okay? दिस कार हैज बीन बिल्ट फॉर फैमिली पर्पज ये तेज जाएगी गाड़ी बट आपको वो एकदम क्विक रिस्पॉन्स ना वो आपको बट हाँ इस गाड़ी में एक और एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है कि आप यहाँ काफी ऊंचे बैठ रहे हो एंड ऑलमोस्ट वॉलेट का पूरा एज आपको दिखाई देता है विच मीन योर ड्राइव विल बी मोर लाइक एन एस यू वी और आपका इसका स्टेयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है क्योंकि जो अभी तक क्रेस्टा आती है उसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी हैवी है एंड फॉर दिस कार इट्स एक्चुअली वेरी लाइट मतलब आप लिटरली दो उंगलियों से स्टीयरिंग को स्टीयर कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपको एडाज भी आ चुका है गाड़ी के अंदर सो so, एडाज में आपको छह फीचर्स आते हैं एक तो आपकी लेन को वो यू नो कंट्रोल रखते हैं बेसिकली लेन असिस्ट जिसको कहते हैं हम वो आता है एक अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में कोई आ रहा है आपके तो आपके मिरर में आपको नोटिफिकेशन आ जाता है उसका देन ऑफकोर्स यू हैव द अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एक है आपका ऑटोमेटिक हेड हेडलैम्प सो मान लीजिए अगर आप सिंगल लेन रोड पे चल रहे हो सामने से गाड़ी आ रही है और आप हाई बीम पे तो आपकी हाई बीम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी अगर वो ऑटो मोड पे सेट है इससे क्या होता है कि ज़्यादा ब्राइटनेस दोनों को नहीं लगती है एंड आप ईजिली रास्ता देख पाओगे दूसरा फीचर आ, और एक जो आता है इसमें इज दैट जब आप गाड़ी रिवर्स ले रहे हो और कोई गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है तो वहां पे आपके लिए ये यू you नो know, अलर्ट दे देगा सो so, इसमें आपको एडास के काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं तो इस गाड़ी का जो रेडार है दैट्स एक्चुअली इन द फ्रंट इन द टोयोटा लोगो इट्सल्फ सो दीज आर द हाईलाइट जो आपको हाई क्रॉस में मिलते हैं ओवरऑल आई एम रियली इम्प्रेस बाय द वे हाउ द व्हीकल ड्राइव्स कंफर्ट गाड़ी का काफी अच्छा है ओवरऑल एंड इज नथिंग टू कंप्लेन एज सच कि पावर कम है या कुछ इनका क्लेम्ड रेंज जो है राधा क्लेम्ड माइलेज जो है 21.1 किलोमीटर पर लीटर का है लाइक like ए का भी मिल गया आपके लिए इट्स मच बेटर और सिमिलर एटलीस्ट टू अ डीजल पावर्ड कार और यहाँ पे आपको डीजल इंजन का नॉइज क्लैटर फील भी नहीं होता है हमने गाड़ी को खराब रोड्स पे भी ड्राइव एंड शो यू ऑन अ बैड पैच आपको आइडिया है कि ये गाड़ी जो है ना खड्डों से भी जब जाती है ना सो इट डजेंट फील वेरी जिटरी जो मैं खड्डों से जा रहा हूँ इट डजेंट फील वेरी जिटरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सो ओवरऑल जो आपकी राइड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है मतलब मैं तो बहुत ही ख़राब रोड पे चला रहा था अभी इट डेंट फील दैट बैड तो सस्पेंशन अच्छे से उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है हाई स्पीड पे भी अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी बट हाँ थोड़ा एक्सेलरेशन इसका आ, जो है इन टर्म्स ऑफ दैट क्विक एक्सेलरेशन वो नहीं मिलेगा बट यू कैन ईजिली डू वन ट्वेंटी वन फोर्टी आप शायद वन सिक्सटी पर भी आराम से चला सकते हो बिना प्रॉब्लम के हवेवर लाइक ए सर ये एक सेवन सीटर गाड़ी एक फैमिली कार है नॉट अ स्पोर्ट्स का ओके इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ ड्राइव क्योंकि इसको एलई डी हेडलाइट आई एम एक्सपेक्टिंग दाइट्स टू हैव अ गुड थ्रो टू पर उसके लिए हमें थोड़ा और सब्र करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा मुझे एक घंटे का ड्राइव मिला है नॉट इवन लाइक आई एम ड्राइविंग फॉर टू टू थ्री आवर्स और फाइव आवर्स जिससे मैं आपको एक पूरा क्लियर आइडिया दे सकूं अबाउट द कार बट हाँ इनिशियल इम्प्रेशन है एंड आपको ये गाड़ी चलाने में काफ़ी मजा आएगा आई एम जस्ट रिपीटिंग अ फ्यू थिंग्स आपको चार मोड्स आते हैं एक ईको एक, एक नॉर्मल एक पावर और एक ईवी मोड ये टोटल चार मोड्स इस गाड़ी के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं अब सवाल ये आता है ये गाड़ी कितने तक आएगी और क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं so guys, ये था हमारा आज का वीडियो विद द इनोवा हाईक्रॉस उम्मीद करता हूं मैंने आपके साथ सारे डिटेल्स यहां शेयर कर पाया हूं अब वर्डिट की बारी देखिए हमारा कोशिश ये रहता है कि हर बार आपके लिए सारी डिटेल्स जो है ना एकदम डिटेल में पहुंचाने की कोशिश करें वो भी एकदम सिम्पलीफाइड भाषा में ताकि आप समझ पाए कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं कंसिडर करनी चाहिए अगर आपके पास इस वीडियो के बाद फिर भी डाउट्स रह जाते हैं आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश कार है फिर कंसल्टेंसी जाना है वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स बने और एक पंद्रह मिनट का कॉल टाइम बुक करना है विथ वन ऑफ आर एक्सपर्ट जिन्होंने सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई अब वर्डिक की तरफ चलते हैं देखिए इनोवा हाईक्रॉस जो है एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट है अगर आप इनोवा की जो लेगेसी देखते हैं वो बरकरार रखी गई है यहाँ पे एट द सेम टाइम Toyota has become a lot more bold this time, saying हम सारे features दे देंगे जो आप चाहते हैं गाड़ी के अंदर So उस वजह से ये एक बहुत ही solid package आपके लिए आज के तारीख में बन जाता है क्योंकि आपको ना केवल features आ जाते हैं but जो Innova की practicality है in terms of third row space, जो performance engine देती है and even जो comfort offer करती है वहाँ पर ये एक complete package बन जाता है आपके लिए अब आपका सवाल आएगा इस गाड़ी की प्राइसिंग कितनी है देखिए जो करंट क्रेस्टा है उसका टॉप एंड मुंबई में लगभग 34 लाख ,00 रुपीस आता है अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डीजल से महंगी है एंड एट द सेम टाइम ये गाड़ी में आपको बहुत ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं इफ यू लुक एट ऑल एस्पेक्ट्स तो टॉप एंड मॉडल गाड़ी का थर्टी टू फोर्टी लैक्स जा सकता है इजिली फिलहाल प्राइसिंग आई नहीं है गाड़ी की आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा वरना अगर आप इसे एक ऑलराउंड पैकेज की तरह देखते हैं इनोवा हाईक्रॉस no इसी के साथ साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब इनोवा ना केवल एक सेवन सीटर बायर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी बट इवन एट द सेम टाइम जो लोग एस यूवीज देख रहे थे मिड साइज की इन दैट थर्टी टू फोर्टी फाइव लैख रुपीज वो भी इनोवा की तरफ ज्यादा आकर्षित होने वाले सो so गाइज ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द इनोवा हाईक्रॉस इतना वीडियो देखा है गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस एंड साथ ही साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया गो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू तो द मोटर यूट्यूब चैनल आप मिस करें बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते हैं सो so, मिलेंगे कल फिर से वीडियो टेक टेयर सी टू बाय